आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू एड लोगो इन टेलीप्राइम इनवॉइस। आइए देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। यदि आप भी चाहते हैं टेलीप्राइम को कम्प्लीट सीखना, वो भी एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टेलीप्राइम एडवांस वाले सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीप्राइम पर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टेली में आना है और यहाँ पर आपको ऊपर में दिखेगा प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको प्रिंट पर क्लिक करना है या फिर आप कीबोर्ड से अल्ट पी भी कर सकते हैं। जब आप अल्ट पी करेंगे तो उसके बाद आपके सामने में यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहा है। पहला दिख रहा है अदर्स का और दूसरा दिख रहा है कॉन्फिग्रेशन का। आपको कॉन्फिग्रेशन पे आना है और इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे आपके सामने में ढेर सारा ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पर दिख रहा है नीचे लिखा हुआ है कंपनी डिटेल। कंपनी डिटेल के नीचे लिखा हुआ है इंक्लूड कंपनी लोगो अप्लीकेबल टू प्रिंट एक्सपोर्ट एंड ईमेल। मतलब इन सभी चीज़ों में आप अप्लीकेबल कर सकते हैं लोगों को। कैसे हम लोग लोगों को लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम यस करेंगे। इस पर इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक यस हो गया। यहाँ पर अभी देखिए इसको लगाने के लिए आपको यस करना होगा। बट यस करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। नीचे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ओनली BMP एंड JPEG फाइल फॉर्मेट आर सपोर्टेड। मतलब ये दो फाइल ही इसमें सपोर्ट करेगा। तीसरा यदि आप कोई फाइल रखते हैं जैसे PNG रखते हैं तो वो यहाँ पर सपोर्टेड नहीं है, मतलब वो लगेगा ही नहीं यदि आप लगाना चाहेंगे तो। उसके नीचे लिखा हुआ है रिकमेंडेड फाइल साइज इज 96 पिक्सल इन वृत्त। मतलब लोगों का जो साइज होगा उसका वृत्त होगा 96 पिक्सल और जो हाइट रहेगा वो रहेगा 80 पिक्सल का। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कंपनी लोगो कैन बी प्रिंटेड ओनली ऑन स्पेसिस रिपोर्ट्स एंड वाउचर। मतलब रिपोर्ट्स और वाउचर पर ही प्रिंट होगा, उसके अलावा कहीं और प्रिंट आपका नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले मुझे लोगों का साइज यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ लोगो कौन सा है। आपको यहाँ पर दिख रहा है लोगो नाम का एक यहाँ पर पिक्चर है। इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में आएंगे। प्रॉपर्टीज में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा लिखा हुआ है डिटेल्स। आपको डिटेल्स पे क्लिक करना है। जब आप डिटेल्स पे क्लिक करेंगे नीचे आइए, यहाँ पर आपको इसका डायमेंशन दिखेगा जो कि अभी कुछ और है। हमको इसका सही डायमेंशन बनाना है। और यहाँ पर आप जब जनरल पे आएंगे तो यहाँ पर इसका फॉर्मेट दिखेगा। क्या फॉर्मेट है, JPG। तो JPG ही फॉर्मेट रखेंगे बट साइज़ इसका चेंज है। तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा ओपन विथ। आपको ओपन विथ में आना है और पेंट पे आ जाना है। आप इस प्रकार से भी आ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट पेंट में ओपन कर लीजिए अपने लोगों को या फिर जो फोटो आप लगाना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा लिखा हुआ है रीसाइज। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर रीसाइज लिखा हुआ है क्रॉप के नीचे। आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको पिक्सल्स चुनना है और यहाँ पर मेंटेन एक्सेप्ट रेशियो का टिक को हटा देना है। और हॉरिजेंटल कितना था मेरा, मतलब वृत्त कितना था, 96 पिक्सल। और उसके नीचे वर्टिकल दिया हुआ है मतलब हाइट, ये मेरा था 80 पिक्सल। ये आपको ध्यान से सही से रखना है। यदि आप गलत करेंगे तो आपका वहाँ पे अपलोड नहीं होगा। उसके बाद ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पर देखिए फोटो का साइज कम हो चुका है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको सेव पे जाना है। सेव पे जाने के बाद यहाँ पर सेव एज लिखा हुआ है, सेव एज पे जाएंगे। सेव एज पे जाने के बाद यहाँ पर लोगो नाम से सेव था तो अभी हम नाम यहाँ पर चेंज करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे न्यू लोगो। लिखने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा सेव हो चुका है। मैं आता हूँ फोल्डर में, यहाँ पर आपको दिखेगा यहाँ पर मेरा सेव हो चुका है। उसके बाद आ जाएंगे टेलीप्राइम पर। टेलीप्राइम पे आने के बाद यहाँ पर इसको यस करेंगे। यस जैसे ही करेंगे आपके सामने में यहाँ पर देखिए ऊपर में तीन ऑप्शन आ रहा है। पहला आ रहा है स्पेसिफाई पाथ, दूसरा आ रहा है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव और तीसरा आ रहा है शो मोर का। तो हम लोग सेकेंड ऑप्शन चूज करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फोटो मेरा कहाँ पर है, तो फोटो मेरा डेस्कटॉप पर है। डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। डेस्कटॉप पे आने के बाद वहाँ पर एक फोल्डर है। क्या नाम से फोल्डर है, तो फोल्डर है न्यू फोल्डर के नाम से। इस पर इंटर करेंगे और फोटो का नाम क्या है, न्यू लोगो। यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको सेलेक्ट कर लिए एरो की से। इंटर करेंगे तो ये मेरा क्या हो गया, ऐड हो गया। अब कंट्रोल ए से इसको हम सेव कर लेंगे मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अभी मेरा फोटो लग चुका है। बट जो लोकेशन हम वहाँ पर सेलेक्ट की वो हमको पता कैसे चला, यदि आपको ये चीज़ नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये फोटो लगाना था, इस फोटो पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे आएंगे और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कैसे कैसे आना है। तो डेस्कटॉप से वहाँ पे चूज़ हो रहा था तो डेस्कटॉप लिए, फिर न्यू फोल्डर लिए, ऑटोमेटिक यहाँ पर ये नाम आ गया था और उसको सेलेक्ट कर लिए।
टेली प्राइम में आते हैं और यहाँ पर अभी हम आ जाएंगे वॉचर्स में। वॉचर्स में आने के बाद पेज अप करते हैं तो यहाँ पर सेल वॉचर्स मेरा बना हुआ है। कंट्रोल पी करते हैं, कंट्रोल पी करने के बाद प्रीव्यू पे आएंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब मैं अल्ट जेड करके आपको जूम करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर मेरा लोगो फाइनली लग चुका है। तो इस प्रकार से आप अपने इनवॉइस के अंदर लोगो को प्रिंट कर सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं। ये आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये खाली आपका सेल बिल पे होगा, आपका परचेज बिल पे प्रिंट नहीं होगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो में जाना कैसे हम लोग टैली प्राइम में सेल्स इनवॉइस पे लोगों को प्रिंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।